इसका खामियाजा हमी को भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। यह निजीकरण की शुरुआत होने जा रही है। जो कोयले लोहे कैटेगरी के अंदर आएगा, अभी यह तीसरे पहले अखबार में है, उसे ज्यादा स्वतंत्रता दी जाएगी, ज्यादा एटमस पावर दे दी जाएगी। किस टाइप की पावर दे दी जाएगी, वो अपना फीस का स्ट्रक्चर खुद करे, अपना कैरिकुलम अपना अपनाए। 3 साल रहेगा वो ऑटोनॉमस और 4th साल वो टीम यूनिवर्सिटी बन जाएगा और आपको लगा देगा लैंड पर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट के आदमी भर देगा। तो ये चार चल रही है गवर्नमेंट। एक एक कॉलेज उनको स्टीफन दो लो, हिंदू करो, श्रीराम दो लो, हंसराज करो, इनका नंबर आने वाला है। ये ऑटोनॉमस की तरफ बढ़ रहे हैं और 3 साल के बाद पेंटेश्वर कॉलेज, ये 3 साल के बाद आप देखना टीम यूनिवर्सिटी बन जाएंगी। इनका पे स्ट्रक्चर अपना होगा, इनका करिकुलम अपना होगा, इनका स्टाफ अपना होगा और विश्वविद्यालय का यहाँ कुछ लागू नहीं होगा। अगर हमने इसका विरोध नहीं किया तो हम कहते शिकागो 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 के अंदर जो हमने लड़ाई लड़के 8 घंटे की वर्कर बड़ा था, हमें 8 घंटे का कानून, श्रम कानून बनाए थे, जिनके तरह हमें GPF PPF CPF का लाभ मिलता था, सैलरी टाइम पर मिलती थी, इसके लिए हम तरह से जाएंगे। सचेत रह दो, आंदोलन पर लड़ना पड़ेगा ये निश्चित है और इसके लिए तैयारी कर लो। उसको एनपीएस किया जाएगा, एनपीएस उसके पेंशन पेंशन से बंद कर दिया। दुर्गा क्या है हमारे लिए, ये पार्लियामेंट जिनके सामने हम बोल रहे हैं आज, अगर आज एक लोकसभा का बाई इलेक्शन हो जाए और उसमें घर में बैठा हुआ व्यक्ति मोदी के नाम से जीत जाए तो वो पेंशन का अधिकारी हो जाएगा आजीवन, जब तक वो मरता नहीं है, उसकी फैमिली नहीं मरती। और एक कर्मचारी 40 साल 35 साल 30 साल अपनी सेवाएं देगा और वो पेंशन का अधिकारी नहीं रहेगा। अगर उसका पैसा शेयर मार्केट में डूब गया तो गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, वो मान के चलो। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है इस देश का। हमारा संसद, जो हमारे संसद के 700 MP अभी एक MP यहां भी आएंगे, इनको ईमेल के द्वारा बार इनको रिमाइंडर करा चुका हूं कि विश्वविद्यालय और अन्य ऑटोनॉमस संस्थाओं में के अंदर आज तक पे कमीशन का लाभ नहीं मिला, इसको कृपया लागू कराने के लिए पार्लियामेंट में अपना सवाल उठाइए। पर सब बिके हुए सारे एक जैसे ही, सभी अधिकारी के छट्टे बच्चे हैं, सुबह ले लेंगे पार्लियामेंट के अंदर, शाम को मोदी जी डिनर देंगे तो वहां टेबल पर आ जाएंगे, डिनर पता नहीं क्या क्या मिलता है। जैसे नीतीश जी को लगा चीफ मिनिस्टर सिर्फ लालू ने हिलाई तो इधर आ गया, और चीफ मिनिस्टर बन गया 12 घंटे के अंदर। तो भाई देश में एक चेतना का संचार करना पड़ेगा और संचार देखो, संचार कौन कर सकता है, संचार कर सकता है पढ़ा लिखा व्यक्ति, लेखक, मीडिया। और मीडिया, हम इतनी संख्या में यहाँ पर हैं, हम मीडिया वालों को अनुरोध कर चुके हैं कि भाई हमें भी कदर कर लिया करो, हम भी तो तुम्हारे यहाँ देश के नागरिक हैं। परंतु शर्म आती है कि अगर इनकी फोटो छाप दी तो मोदी जी RTI वो इनकम टैक्स का छापा पड़वा देंगे, जैसे NDTV पर छापा पड़वा दिया, वो परेशान बन रहा है। तो आज देश के अंदर इंदिरा गांधी ने तो खुले आने में टेंशन लगा दी थी, यहाँ पर एक लुका छुपी वाली जो इमरजेंसी है उसे आप कह सकते हो। देश को सिर्फ 2 आदमी चला रहे हैं, एक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, दूसरे भाजपा के अध्यक्ष श्री अमित शाह जी, 2 ही आदमी चला रहे हैं इस देश में। अगर BJP का एक महाराष्ट्र का MP था पीछे, करा जी मैंने मोदी जी से पार्लियामेंट में एक सवाल पूछ लिया तो मोदी जी ने मेरे को छाड़ दिया, कहते तुझे 3 साल MP बना हुआ, तुमने क्या किया जो मेरे से सवाल पूछ रहा है। मैं भाषण तो बड़े लंबे लोग होता हूँ, सब से आ रहा हूँ, मन की बात कर रहा हूँ, मन की बात चले जा रहा हूँ, पर जो लोग कह रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं मन की बात में, लोग क्या कह रहे हैं, लोग मन की बात में ये कह रहे हैं मोदी जी कि देश के अंदर बेरोजगारी फैल गई, इंजीनियरिंग संस्थान बंद होने को आ गए हैं, इंजीनियरिंग संस्थानों में 80% सीटें खाली पड़ी हैं, लोग पढ़ने के लिए उत्सुक नहीं है। आप रोजगार का
सृजन करिए। फिर जब वो रोजगार कहते हैं रोजगार, फिर जब वो गवर्नमेंट की नौकरी मांगते हैं ना, मोदी जी पता क्या कहते हैं? कहते हैं आप अपना बिजनेस स्टार्ट करिए, बैंक लोन दे देगा। और बैंक कहता है भाई मोदी से लिखवा लाओ, मैं लोन दे दूंगा। ये तो हालत है इस देश की। अगर आराम से लोन दे दे तो ये जितने नौजवान पढ़े लिखे लोग हैं ये रातों रात अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। पर बैंक भी तो कुछ चाहिए। अभी रघु राजन जो गवर्नर थे, गवर्नर थे, चेयरमैन गवर्नर थे इसके आरबीआई के, दो दिन से कह रहे कि मैंने तो पहले कह दिया था नोटबंदी से व्यवस्था पर खराब असर पड़ेगा, पर किसी ने हमारी सुनी नहीं और नोटबंदी लागू कर दी। उसके बाद नोटबंदी के बाद एक जीएसटी आया, जीएसटी कहीं 18%। अब अगर होटल एसी है होटल में खाना खाओ देना अपनी फैमिली को लेके, तो 28% जीएसटी दोगे, ये ध्यान रखना। तो एसी के होटल में मत जाना, गर्मी में मन लेना, जैसे हम यहाँ मर रहे हैं। 28% तो मच जाएगा, 10-5% का हाथ छूट जाएगा। तो देश का आज हालत, व्यापारी वर्ग परेशान है, उनको ये लग रहा है बस देश में खुशहाली हो रही है, खुशहाली हो रही है। अच्छे दिन आ गए, एक ही नारा था अच्छे दिन आ गए। तो भाई वो आए अमित शाह जी के और मोदी जी के अच्छे दिन जरूर आए। जो देश पूजे नहीं देता था उसका प्रेसिडेंट गले मिल रहा है, तो इससे अच्छा दिन और क्या नहीं आएगा, इससे बढ़िया कुछ हो जाए। और जिसका चौड़ीदार भी नहीं थी वो आज देश में लोग बहुत लड़किया सीटें बांट रहे हैं। आज गारंटी है मोदी जी के नाम से गधे को भी टिकट मिल जाएगी, गधा भी जीत जाएगा, क्योंकि ये लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या हो चुकी। आज देश में अपोजिशन नहीं है, मजबूरी है लोगों की। तो मोदी जी सोच रहे हैं कि बस जो मैं कह रहा सब बढ़िया हो रहा है, देश बढ़िया चल रहा है, देश बहुत अच्छा चल रहा है। पर देश तो ये देखो, सामने देखो देश कैसे चल रहा है, कल की वो नहीं देखते देश कैसे चल रहा है। और स्वच्छता के नाम पर चल रहा है, स्वच्छता के नाम पर पैसा बहाया जा रहा है। और अब बस अड्डे से लेकर जमुना बाजार हनुमान मंदिर के पीछे वो देखो पार्क में लोग पड़े पड़े हैं, वही सोच कर रहे हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं, पर स्वच्छता के नाम से पैसा तो बह ही रहा है। तो सच्चाई दोस्तों ये है, और इस सच्चाई से लड़ने के लिए, क्योंकि आप पढ़ा लिखे समाज हो, आप पर जब एक जर्नलिस्ट कर्नाटक में हिम्मत करी, उसने लिख दिया होगा कोई लेख, तो सुबह सुबह से बोली मार गए कि बस तेरा हो गया काम तमाम, अब लिखता रहा। तो देश में आज अराजकता का माहौल है। देश की बात क्यों मैं करता हूँ, क्योंकि हम भी देश के नागरिक हैं। अगर हमने उनकी पक्षियां नहीं उड़ोड़ी तो ये बेकमीशन ऑटोमेट पुलिस को मेरे को नहीं लगता प्यार से मिलने वाला है, जो इनकी पॉलिसियां चल रही है किसी ना किसी बहाने। और भाई पूरा मत मानना, कोई सोचे यार ये बीजेपी की को कर रहा है, ये कर रहा, मैं किसी की नहीं कर रहा। मैं तो गवर्नमेंट जो सेंटर में बैठी है उसकी पक्षियां उधेड़ रहा हूँ, उसकी बातें बता रहा हूँ। और आजकल बाबाओं का युग चल रहा है, बाबाओं का युग। एक डेरा वाला बाबा, एक पतंजलि वाला बाबा, एक आसाराम बाबा, दो बाबा तो चले गए। ये बाबा क्यों जन्म लेते? ये बाबा जन्म लेते हैं गवर्नमेंट की नाकामियों से। जब आप लाचार लोगों को, जरूरतमंद लोगों को और जो रोड पर पड़े रहते हैं उन लोगों को संसाधन सरकार जब मुहैया नहीं करवा पाती तो वो इनके चुंगुल में फंस जाते हैं। ये उनको पेट भरने के लिए सामान दे देते हैं, कपड़ा पहन तंग पहनने के लिए कपड़ा दे देते हैं, उसी लालच में ये उनकी सेवा उनकी भक्ति करने लग जाते हैं और उनके लिए मरने मारने तक के लिए लागू हो जाते हैं। जैसे आपने देखा तो डेरा वाला पकड़ा गया, मैं तो उसे बाबा नहीं कहूंगा भाई, मैं कुछ और कह दूंगा, बलात्कारी पकड़ा गया। तो आपने देखा वहां से 47 निकल रहा है, 47 कश्मीर के अंदर देख लो, जिनको सुरक्षा दे रखी है वो देश के सबसे बड़े हराम है, बड़े हराम। इनको गिरफ्तार करके लाल चौक पर फांसी मार दो, कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई चूता नहीं करेगा। पर गवर्नमेंट में हिम्मत नहीं है, गवर्नमेंट भी वोट बैंक देखती है, गवर्नमेंट भी वोट बैंक देखती है, और जहां उसे वोट बैंक नजर आता है वही बात करती है। क्योंकि आप पढ़े लिखे समाज हो, आप इनके पिछड़ों को नहीं बन सकते, तो ये जितना आपको हरास कर सकते हैं ये उतना हरास करेंगे। पर एक दिन ये पक्की बात है, सत्य की विजय होती है, सत्य सामने आता है और सत्य हमेशा जीतता है, लेट होता है पर सत्य जीतता है, ये सच्चाई है। और आपकी विजय निश्चित है, ये आप मान के चलिए साथियों। क्योंकि हमारे बीच में और भी संस्थाएं हैं और संस्थाओं के भी अधिकारी हैं, मैं चुनाव में कवर करता हूँ, मेरी कोशिश करता हूँ जीतना